आज मैं बनाऊंगी ये हार्ट शेप का ब्रूच, और इसके लिए मैंने लिया है वाइट सीड बीड। ये ट्रांसपेरेंट सीड बीड है, वाइट या सिल्वर, और ये है येलो सीड बीड्स। ठीक है, ये ब्रूच पिन, और यूज़ करूँगी ये वाइट पर्ल 2 mm की ये सीक्वेंस। उसके बाद यूज़ करेंगे ये सिल्वर स्टोन चेन। ये चीज़ें मैंने जहाँ से परचेज़ की उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब इस पे डिज़ाइन बनाना है, और ये हो गई कार्ड शीट, और बैक के लिए यूज़ करूँगी फॉर्मिक शीट, वाइट फॉर्मिक शीट। अब आइडिया कुछ यूँ है कि इस साइड पर मैं बनाऊँगी 3 फ्लावर विद द हेल्प ऑफ पर्ल, येलो सीड बीड और येलो और सीक्वेंस। ठीक है, अब बीच में एक पर्ल लगाएंगे, और उसके साइड पर मतलब चारों तरफ मैं 5 पेटल्स बनाऊंगी, 5 पेटल्स। और ये पेटल बनाने का तरीका ये है कि पहला जो है वो आप एक सीक्वेंस लेंगे, उसके बाद एक सीड बीड लेंगे, उसके बाद एक सीक्वेंस, और फिर से एक सीड बीड, और फिर इसको दूसरी तरफ से जो है ना स्टिच करना है। तो हर बार ऐसा होगा कि पर्ल के करीब से, पर्ल वाली साइड से आप नीडल निकालेंगे, और फिर उसमें सीक्वेंस और बीट डाल के, और उसके बाद उसको दूसरे एंड पर स्टिच करेंगे। ठीक है, ये तीन जो है वो ना तीनों फ्लावर जो है ना बन चुके हैं। अब जो गैप्स हैं फ्लावर के बीच में, जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए मैं जो है ना ये पर्ल स्टिच कर रही हूँ इसके बीच में, ताकि जो बेस है हमारी फेल शीट की, वो बेस जो है ना हमारी नज़र ना आए। तो जो खाली स्पेस है उस पर जो है ना पर्ल लगा दिए। अब दूसरी तरफ क्या करना है, एक साइड पर तो 3 फ्लावर बनेंगे, और दूसरी तरफ मुझे दूसरा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, दूसरी तरफ लगाऊंगी वाइट सीड बीड और जो सिल्वर स्टोन चेन थी, वो सिल्वर स्टोन चेन से आउटलाइन करूंगी हार्ट को साइड वाले, और फिर जो है ना जो अंदर सारा फिल कर दूंगी वाइट सीड बीड से। तो ये जो है ना कुछ इस तरह से होगा। पहले रख के देखते हैं, और फिर उस साइज़ के हिसाब से कट करना पड़ेगा। ये बोथ साइड पे जो है ना इसको इस तरह से लगाएंगे हाफ हार्ट में, और ये आराम से सीजर से ही कट हो जाती है। इसका जो बीच का जो वायर होता है वो इजीली बहुत सीजर से कट हो जाता है। अब इसको जो है ना स्टिच करना शुरू करेंगे। बस इस स्ट्रिंज को रखें, और जो बीच में जो गैप रहता है दो स्टोन्स के बीच में, जो वायर है या गैप है, उस पे स्टिच लगाना है। तो स्टिच इतना नज़र भी नहीं आएगा, और अगर ट्रांसपेरेंट थ्रेड है जो नायलॉन का थ्रेड होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जब वीडियो में बना रही थी इस वक्त मेरे पास वो थ्रेड अवेलेबल नहीं था, इसके बाद मैंने ख़रीदा था। तो ये जो है ना दोनों साइड पर मैंने वो तो लगा दिए, स्टोन चेन तो लगा दिए। अब जो है ना इसको फिल करेंगे वाइट सीड बीड से। अच्छा, आप रैंडम सीड बीड भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने लाइन से की थी, पहले एक लाइन फिर सेकंड लाइन, तो 4 लाइंस टोटल जो है ना इसमें लगी थी इसको फिल करने के लिए। अब थोड़ा सा इन स्टेप्स को थोड़ा ज़्यादा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि ये रिपीटेटिव जो है वो स्टेप्स हैं, पहले बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये हर वीडियोस में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना आपका जो ब्रूच बनता है उसको ड्रॉ कर लें कार्ड शीट में,
और जो है वो ड्रॉ करने के बाद जो है ना आप उसको कट करें ताकि अंदर लगे। अब कार्ड शीट जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उतना ज़्यादा जो है वो आपका आपकी ज्वेलरी या आपका जो भी स्टफ आप बना रहे हैं वो उतना ज़्यादा स्टिफ रहेगा। मैं तो हर बार UHU यूज़ करती हूँ, UHU से बहुत अच्छा स्टिक होता है। अगर कोई और ग्लू है तो उससे स्टिक करें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैग के लिए आप फेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर ग्लिटर फॉर्मिक शीट नहीं यूज़ करना चाहते। थोड़ा सा फॉर्मिक शीट को हैंडल करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब इसको जो है ना कट करेंगे और उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे। फेल्ट के और फॉर्मिक शीट के अलावा बैग के लिए लेदर शीट भी यूज़ की जा सकती है, वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत फाइन बनेगा उससे। स्टिकर फॉर्मिक शीट है तो इसमें जो है ना वो ये ऑलरेडी स्टिक हो जाता है। अगर आप लेदर या फिर फेल्ट शीट यूज़ करेंगे तो आपको बैग पे भी पूरा ग्लू लगाना पड़ेगा। अब इसकी जो एजेस बनाऊंगी और एजेस के लिए मैं ये वाइट सीट बीडी यूज़ कर रही हूँ और जैसे नॉर्मल एजिंग करती हूँ उसी तरह से कर रही हूँ। और चैनल पर एजिंग की जो है वो वीडियोज़ मौजूद हैं सीक्वेंस के साथ भी और बीट के साथ भी। तो यहाँ पर तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया लेकिन वहाँ पे बहुत ही क्लियर और जूम इन करके वीडियो बनी हुई है तो वहाँ पर इसका ट्यूटोरियल देखा जा सकता है। तो ये आ गया है इसका कंप्लीट लुक। और ये जो है ना मैंने अंदर भी और बाहर भी दोनों जो है ना वाइट सीट बीट से इसकी एजिंग करी है और ये कुछ इस तरह से बना है। ठीक है,